करने वाले हो गए वास्तु के बारे में। जी हाँ, आपके घर हो या फिर ऑफिस हो, वास्तु किस तरीके से इम्पैक्ट करता है आपके घर को। सो देखिए, वास्तु का मतलब क्या होता है, जिस स्थान पर आप रहते हैं उस जगह को ज्यादा पॉजिटिव करना, यही वास्तु का मूल मकसद है। ठीक है, तो वास्तु किस तरीके से आपके घर को इम्पैक्ट करता है और क्या क्या छोटी छोटी अगर बातों का आप ध्यान रखें तो आपके घर का वास्तु हमेशा अच्छा ही रहेगा। और इस चीज़ को आप अपने ऑफिस में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जो एप्लीकेबल हो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से वास्तु, अगर आप कुछ भी छोटी मोटी अगर आप गलतियां करें, ठीक है, या फिर उसे आप किस तरीके से सुधार सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, वास्तु का मतलब, वास्तु किस तरीके से काम करता है, तो वास्तु हमेशा सूर्य और चंद्रमा, मेजरली सूर्य, ठीक है, इसके मूवमेंट के अनुसार ही बनाया गया है। चाहे आपका घर हो या फिर आपका ऑफिस हो, इसी के मूवमेंट के अनुसार आप कोई भी विश्वकर्मा प्रकाश आप उठा करके पढ़ लें या कोई भी आप पुरानी आप एंशिएंट आप किताबें पढ़ेंगे, तो उसमें जो भी इसकी पद्धति दी गई है कि कहाँ किचन होना चाहिए, कहाँ दरवाज़ा होना चाहिए, कहाँ पर आपका लिविंग रूम होना चाहिए, कहाँ पर बेडरूम, वो हमेशा सूर्य की दिशा के अनुसार ही होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा मेन डोर जैसे माना जाता है नॉर्थ में हो या फिर ईस्ट में हो, वैसे मेन डोर जो है ना वो कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ या वेस्ट, लेकिन उसमें ना अलग अलग पद होते हैं। ठीक है, कौन सा बेस्ट होता है वो आप किसी भी वास्तुशास्त्र को जानने वाले से या फिर आप मेरे से कौन कंसल्ट कर सकते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा। तो आप अपने घर में एक कंपस लेकर के चेक करिएगा कि आपका मेन डोर किस डायरेक्शन में आ रहा है और कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो फिर मैं इसके इफेक्ट या कुछ लोगों का आपको कमेंट करके मैं बताऊंगा कि वो अच्छा है या बुरा है या फिर आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, वास्तु के अनुसार अगर आपका मेन डोर अगर बड़ा हो, उसमें से सनलाइट आ रही हो, तो सनलाइट कहाँ से आएगी, नॉर्थ की दिशा और सबसे ज़्यादा ईस्ट सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो अगर वहां पर आपका मेन डोर हो या फिर बड़ी बड़ी खिड़कियां हो, क्या होगा, सनलाइट आपके घर में आएगा, तो इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है आपके घर में। साथ ही साथ आप अपने घर में अगर हर जगह अगर आप खिड़कियां चारों दिशाओं में अगर खिड़कियां हो, ठीक है, वैसे साउथ में तो कहा जाता है कि खिड़कियां ना हो तो अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर चारों दिशाओं में है और उसको वास्तु के अनुसार बनाई गई है तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके घर के वास्तु को बिगाड़ सकती है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़, आपके घर का जो नॉर्थ का जो साइड है वो हमेशा नीचा होना चाहिए एज कंपेयर टू साउथ वेस्ट, ठीक है, या साउथ। तो आप अपने घर में देखें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ में ज़्यादा बेडरूम बना हुआ है और साउथ की दिशा खाली है, राइट? अगर ऐसा है तो आपके घर में देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज आप ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, करियर में प्रॉब्लम होगी, मनी में प्रॉब्लम होगी, सेविंग्स नहीं हो पाएगी, हेल्थ इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, आप इसी तरीके से देखें कि कहीं आपके घर का टॉयलेट जो है वो कहीं नॉर्थ की दिशा में तो नहीं आ रहा, या फिर वो साउथ ईस्ट की दिशा में तो नहीं आ रहा, या फिर वो एग्जैक्टली वेस्ट की दिशा में तो नहीं आ रहा, तो इससे आपके घर में प्रॉब्लम्स आते हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल, साउथ ईस्ट की दिशा में अगर किचन आ गया जो कि फायर की दिशा है, आप जो इनकम करते हैं, जो लिक्विड कैश आता है उसकी दिशा है, तो आपके घर में देखेंगे कभी भी ना हमेशा फाइनेंशियल क्रंच बनी रहती है। उसी तरीके से प्रॉफिट्स एंड गेन्स दिशा मानी जाती है वेस्ट की डायरेक्शन, अगर वहां पर टॉयलेट आ गया तो आप जो भी काम करेंगे बिटाने में उसमें आपको दिक्कतें होंगी। ये चीज़ आप ऑफिस में भी अपने फैक्ट्री में भी देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर आपका घर ऐसा है जिसमें कि हवा ठीक तरीके से नहीं आता है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, जैसे इंडिया में बड़े बड़े आप शहरों में चले जाएं, आप दिल्ली चले जाएं, मुंबई में चले जाएं, बहुत जगह ऐसा होता है ना कि जब लोग घर बनाते हैं तो आसपास में जगह ही नहीं छोड़ते, तो इससे भी परेशानी होती है क्योंकि हवा ठीक तरीके से नहीं आ पाता, वेंटिलेशन सही तरीके से नहीं होता है, तो वो भी अपने आप में एक वास्तु दोष क्रिएट करता है, राइट? आप कूड़ा करकट इधर उधर आप ना फेंके, घर को हमेशा सही तरीके से अरेंज कर पाए। तो मैं आपको ना कुछ ऐसे टिप्स मैं देने जा रहा हूँ जो कि आप अगर अपने घर में करें तो आपके घर की पॉजिटिविटी को बनाए रखता है। तो सबसे पहला तो ये है कि घर में ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियाँ हों, उसे वेंटिलेशन सही तरीके से हो। दूसरी चीज़ जो है, घर में ज़्यादा से ज़्यादा लाइव प्लांट्स लगाएं। जी हाँ, लाइव प्लांट्स, ठीक है, जैसे तुलसी सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन हर जगह तो तुलसी नहीं लगा सकते, तो घर के अंदर में जो जैसे फाइकस हो गई है और भी बहुत तरीके के प्लांट्स हैं, ठीक, जो कि एयर प्योरीफायर की तरह भी काम करता है, आप उसे लगा दें। बेडरूम में लेवेंडर लगाए वो बहुत अच्छा माना जाता है, रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करता है अगर आप बेडरूम में लेवेंडर लगाते हैं तो, ठीक है। आप चाहें तो मनी प्लांट आप नॉर्थ की दिशा में लगाएं,
आप लकी बैम्बू ट्री आप लगा ले, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी काम करती हैं, जितना ज़्यादा ज़्यादा प्लांट, क्योंकि प्लांट में देखो जीव है, राइट। तो वो आपके लाइफ में हमेशा अच्छा ही करता है, वो पॉजिटिविटी आपके घर के वाइब्रेशंस को बढ़ाता है। दूसरा चीज़ जो है, आप घर में कम से कम सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन आप ऐसा करें कि जब भी आप पोछा लगाएं ना, तो रॉक सॉल्ट, जो हिमालयन रॉक सॉल्ट होती है, उसे आप पानी में डाल करके आप पूरे घर को आप पोछा लगवाइए या खुद लगाइए। ये चीज़ आप नहाने के पानी में भी कर सकते हैं कि नहाने के पानी में आप अगर डाल करके अगर आप नहाते हैं तो आपकी खुद की क्लेंसिंग भी होती है, तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं कि सुबह और शाम में, देखिए पहले जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो अक्सर हम देखते थे हर घर घर में शाम का समय जब होता था, सुबह सुबह जब होता था ना, तो लोग धुनी रमाए जलाते थे और फिर शंख बजाते थे और घंटियां बजाते थे। इसका देखो अपने आप में सिग्निफिकेंस है, ये चीज़ें हमें अभी भी करनी चाहिए। ये जो हम धुआं ये जो जलाते हैं ना, या धूप हम जो जलाते हैं, इससे भी जो हमारे वातावरण में जो भी बैक्टीरियाज हैं वो मरते हैं, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव एनर्जीज डिक्लटर होती है, तो आपके घर में अबंडेंस आएगी। तो ये हमें जरूर करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव आप किस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, वास्तु का कोई धर्म से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपको करना चाहिए। शंख बजाने से अब इसका हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा, लंग्स पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ शंख जब आप बजाते हैं उसकी जो ध्वनि निकलती है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी निकलती है, वो भी आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है उसको डीक्लटर करने में हेल्प करता है। तीसरा चीज़ आप जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि आपको सच में बहुत दिक्कतें हो रही है, चीज़ें सही तरीके से नहीं चल रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप फिटकरी ले, फिटकरी ले करके आप चाहे तो 125 ग्राम आप ले लें, ठीक है। आप फिटकरी लेकर के इसे लाल कपड़े में बांध करके आप अपने मेन डोर पर लगा दें, अगर आपको लगता है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी आपको लग रहा है ऐसा, तो उसे आप डाल दें। साथ ही साथ घर के चारों कोनों पर कपूर, जो रियल जो मोम वाली नहीं जो ढेले वाली आती है, वैसे कपूर लेकर के आप चारों कोनों में आप डाल दें, जब वो खत्म हो फिर आप वापस से वहां पर रख दें। तो ये आप कर सकते हैं, इससे घर की जो नेगेटिव एनर्जी वो खत्म होती है। साथ ही साथ आप अपने घर में अगर आप चाहें तो रॉक सॉल्ट, सॉल्ट यहाँ पर कहने के मतलब उसका जो 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 सॉलिड फॉर्म में आता है, जो ढेले में आता है ना, जो पत्थर टाइप आता है, वो आप ले लें, उसे आप अपने वॉशरूम में या कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि नेगेटिविटी है उसको आप रखें, लेकिन हर 15 दिन में उसे चेंज कर देना, उसे रखे नहीं रहना है, ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे भी आपके घर की पॉजिटिविटी बढ़ती है, ये आप कर लें। विंड चाइम आता है, 6 रॉड या 7 रॉड वाली विंड चाइम आप ले लें, ठीक है, रॉड वाली ही लीजिएगा, और इसे आप घर के वेस्ट में या फिर आप नॉर्थ वेस्ट में आप लगाएं, तो इससे भी बहुत अच्छा ये वास्तु का उपाय माना जाता है, ये बहुत अच्छा है। एक उपाय मैं अक्सर लोगों से करवाता हूँ, अगर आप कर सके तो आप ज़रूर करें, गायत्री मंत्र आप लगा दें हर रोज सुबह शाम, और इसे बजने दें। गायत्री मंत्र किसी पर्टिकुलर एक देवी या देवता का मंत्र नहीं है, इसमें बहुत सारे देवी देवताओं का समन्वय है, तो अगर आप देवी देवता के सभी को आप पाठ नहीं कर सकते, सभी की पूजा नहीं कर सकते, तो आप गायत्री मंत्र लगा दें, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके घर में अबंडेंस लाती है। या मैंने बहुत सारे व्यापार की जगहों में, ऑफिसेज में भी मैंने लगाने के लिए बोला, अगर उनके लिए पॉसिबल है, दुकानों में लोग लगा देते हैं तो बहुत इससे पॉजिटिविटी आती है, तो आप इसे कर ले, ये बहुत अच्छा है, ये उपाय बहुत अच्छा माना जाता है। आप कोशिश करें कि आपके घर के बेडरूम में कभी भी आईना ना हो, आईना हमेशा नॉर्थ में सबसे अच्छा, क्योंकि वो वाटर तत्व जल तत्व उसे माना जाता है, तो नॉर्थ की दिशा में आईना हो ना वो ज़्यादा अच्छा है, तो आईना हमेशा आप नॉर्थ की दिशा में ही आप रखें, बेडरूम में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मेरा एक अलग सा कोर्स भी है, या फिर आप वीडियो जा करके देख सकते हैं वेदांकानंद वास्तु, हमारा जो यूट्यूब चैनल है इस पर, कि घड़ी से रिलेटेड मैंने कई बार मैंने बताया हुआ है, घड़ी आपके लाइफ में जो आप हाथ में पहनते हैं या फिर आप अपने जो घर में लगाते हैं उसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। घड़ी यूजुअली, वैसे घड़ी में देखिए उसकी एस्थेटिक, गोल है, चौकोर है, कौन सा कलर है, नंबर कैसे है, बहुत सारी चीज़ें उसमें काम करती है, और ये एज ए थेरेपी भी काम करती है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो घर में घड़ी हमेशा नॉर्थ या फिर ईस्ट की दिशा में ही लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा है, गोल घड़ियाँ सबसे अच्छी मानी जाती हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको बेहतर जानना है घड़ियों के बारे में तो आप कमेंट करिए, या फिर मेरे दूसरे वीडियोस आप देखिए जो घड़ी से रिलेटेड है, आपको बहुत अच्छा उसमें आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरह की घड़ी आपको लगानी चाहिए या फिर पहननी चाहिए। तो आप अपने घर में इन सब चीज़ों को आप देखें, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप इस बात पर जरूर गौर करिए कि आपके घर में
कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति भी अगर बीमार है तो उनकी दवाई कभी भी किचन में मत रखिए। उनकी दवाई हमेशा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक दिशा आती है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, आप वहां पर रखिए, वो सबसे अच्छा माना जाता है, या उनकी रिपोर्ट आप वहां पर रखिए, उनको हील होने में बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है, तो बीमारियों से रिलेटेड मैंने कई बार बताया हुआ कि क्या आप कर सकते हैं, या फिर मैं अपने क्लाइंट्स को मैं बताता हूँ बहुत जल्दी ठीक होने क्या उपाय हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके घर की एनवायरनमेंट कैसी है, वहां पर आपको पॉजिटिव फील होता है या नहीं। कई बार होता है कि आप घर पर आते हैं तो आपको आपको बहुत अच्छा फील नहीं होता, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं या ऑफिस में रहते हैं तो आप हमेशा खुश रहते हैं, या वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है। या आप किसी फ्रेंड के घर में जाते हो तो आप 1 घंटे के लिए गए थे, आप 2-4 घंटे बैठ गए, और कई बार होता है कहीं पर आप गए हैं तो आप थोड़ी देर में ही आपको भागने का मन करता है। ऐसा क्यों होता है? वहां का वास्तु, वहां का एनवायरमेंट अगर ठीक ना हो। ठीक है, तो आप अपने घर में कैसा एनवायरमेंट है, घर की वास्तु कैसी है, आप इसके बारे में कमेंट करिए, बताइए कि कोई अगर दिक्कत है। मैं आप लोगों में से कुछ लोगों को मैं टिप भी उसमें दूंगा, कमेंट में मैं लिख करके दूंगा, तो आप बताइए इस चीज को। और इसके अलावा आप कोशिश करिए, जो मैंने टिप आपको अभी तक बताइए, बहुत सरल उपाय मैंने बताए हैं, इसको आप जरूर करिए और करके देखिए। घर में लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, हवा सही आनी चाहिए, ठीक है, घर में आप प्लांट्स लगाइए ताकि जैविक एनर्जी और प्राणिक एनर्जी वो बैलेंस हो। पोछा लगाने के बारे में मैंने बोला, वो आप करिए, कपूर रखिए, ठीक है, शंख बजाइए, ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी है लेकिन बहुत कारगर है, ये तो आप जरूर कर ही सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, घर का जो बीच का स्थान होता है जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, वो कभी भी भारी नहीं होना चाहिए, उसे अक्सर खाली रखिए। ये आप करके देखिए, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, शेयर करिए, कमेंट करिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके घर में अगर आपको लगता है कि कोई इशू है या आपके लाइफ में इशू है तो क्या इशू है और वो किस लिए हो सकता है, वो मैं आपको कमेंट करके, मैं आपके कमेंट पर मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।